देवरिया जनपद में स्वतंत्रता सेनानी आश्रित परिवार को शहीद स्मारक पर अधिकारियों ने सम्मान नहीं किया, जिसका विरोध परिवार वालों ने किया। वहीं अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वारिस परिवार कमेटी भारत संस्था के अध्यक्ष कालिंदी ने जिला प्रशासन पर दर्जनों सेनानी परिवार को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के सम्मान कर रहे थे, वहीं दिनांक 4 फरवरी 2021 को पेंशन बाबू आरपी सिंह ने हम सभी को पैना शहीद स्मारक पर भेज दिया। वहां जाने पर कुछ लोगों का सम्मान हुआ और दर्जनों परिवार को कोई सम्मान नहीं किया गया। वहीं बाबू द्वारा बार बार अधिकारियों से मिलने नहीं दिया गया, जिसे लेकर हम लोग जिलाधिकारी से मिलने आए हैं और अपनी मांग सरकार से कर रहे हैं। जैसे पंजाब सरकार, उत्तराखंड सरकार, स्वतंत्रता सेनानी परिवार को 3 पीढ़ी तक पेंशन, रेल, बस में छूट दी जाए। शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी शहीदों सेनानी परिजनों का वंदना करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में आज़ादी के महान योद्धाओं का सम्मान करने का संकल्प किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं योगी जी से निवेदन करती हूँ कि जिस तरह से उत्तराखंड, पंजाब एवं हरियाणा राज्य ने सेनानी परिजनों को सुविधाएँ प्रदान कर सम्मानित किया है, उसी तरह उत्तर प्रदेश राज्य एवं केंद्रीय सरकार सेनानी आश्रितों को उनके अधिकारों को तहत सुविधाएँ प्रदान करने की कृपा करें। आज़ादी के दीवानों की सूची सब्जी श्रद्धाली होगी। जय हिंद, जय भारत। इस सम्मान से हम लोग खुश नहीं है, केवल बुला करके और जो भी अधिकारी हैं हम लोग एकदम नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं, हमेशा अपमानित करते रहते हैं, कोई बात ध्यान से सुनते नहीं हैं। अभी डीएम साहब बोले थे ठीक है आप एडीएम साहब के पास आइए, एसडीएम साहब के पास आप जाइए, और हम लोग यहाँ से 10 बजे से लेकर के अभी तक यहाँ खड़े हैं, कोई मिलने के लिए तैयार भी नहीं हुआ। अभी एडीएम साहब से भी बोला गया तो एडीएम साहब सीधे निकले चैम्बर से और गाड़ी में बैठे और आगे निकल गए। एसडीएम साहब थे, क्या नाम है, क्या चाहते हैं? मैं रघुवंश मिश्रा, आशीष स्वतंत्रता का संग्राम सेनानी हूँ और हम राष्ट्रीय परिवार से संबंधित हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को आश्रित पेंशन और आश्रित प्रमाण पत्र जो भी हो, सरकार जो भी मिलती है वो हम लोग को दिया जाए, जो भी सुविधा मिलती है सेनानी परिवार को दिया जाए। धरना प्रदर्शन करेंगे, कटोरा लेके भीख मांगेंगे सड़कों पर हम लोग।